नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नर्सिंग के एक क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों आज हम नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं जो है अस्पताल फ्रंट डेस्क का इकाई नंबर 7 सहयोगात्मक टीम वर्क। जब हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क वर्कर होता है उसके कैसे एक कोऑपरेटिव टीम वर्क में काम करना चाहिए, कैसे एक टीम वर्क होता है जो अस्पताल में काम करता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। पहला है कार्यसूची। कार्यसूची में पहला है विवरण, उसका विवरण चेक करेंगे, उसका पत्र परिचय हम जानेंगे जो स्लाइड नंबर 6 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है टीम वर्क का महत्व, टीम वर्क का क्या महत्व होता है जो स्लाइड नंबर 7 पर हम लोग देखेंगे। तीसरा है कार्यस्थल में सहयोगात्मक, स्लाइड नंबर 8 पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है कार्य क्षेत्र में सभी के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में बात करना, कैसे आपको एक अस्पताल वर्क के में मरीज के साथ बातचीत करनी चाहिए जो कि स्लाइड नंबर 9 पर हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है शांतिपूर्ण वातावरण के कारक। अब जो शांतिपूर्ण वातावरण है, वहां का एनवायरमेंट है, उसमें क्या क्या कारक होना जरूरी है, क्या क्या कारण होना चाहिए, उस दो स्लाइड नंबर हम 11 पर जानेंगे। छठा है टीम के साथ काम करते समय शिष्टाचार बनाए रखना। आप एक टीम के साथ वर्क कर रहे हो तो हमें जो शिष्टाचार बनाना है वो स्लाइड नंबर 12 पर हम लोग पढ़ेंगे। सातवा है सुपरवाइजर की सहायता से ड्यूटी रोस्टर का कौशल विकसित करना। जो भी सुपरवाइजर आपके ऊपर जो एक आदर्श व्यक्ति होता है उसके वो कैसे ड्यूटी रोस्टर बनाता है उसके बारे में जानना स्लाइड नंबर 13 से 14 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। आठवां है नीतियों को समझने के लिए कौशल विकसित करना। हम उनकी नीतियों को जानेंगे, उसका विकास करेंगे, अस्पताल में कैसे विकास करना है कि जो स्लाइड नंबर 15 पर हम लोग जानेंगे। नौवां है अस्पताल की नीतियों की व्याख्या करना, कैसे हमें अस्पताल की नीतियों को व्याख्या मरीज को, जो स्लाइड नंबर 16 से 17 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। दसवां है फीडबैक जानने की प्रक्रिया में सुधार करना, जैसे मरीज की फीडबैक जानेंगे वो स्लाइड नंबर 18 पर हम लोग पढ़ेंगे। ग्यारह है सर्विस रिकवरी ओवरव्यू करना जो कि स्लाइड नंबर 20 पर हम लोग पढ़ेंगे। बारहवां है कानूनी और नैतिक मुद्दों को हम जानना जो स्लाइड नंबर 21 पर हम लोग पढ़ेंगे। तेरहवां अनुसंधान आधारित प्रोटोकॉल अपनाना जो स्लाइड नंबर 22 से 23 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। चौदहवां है टीम वर्क को समझे और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए, हम स्लाइड नंबर 14-24 पर हम पढ़ेंगे। 15 प्रभावी टीम की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है जो स्लाइड नंबर 25 पर हम लोग पढ़ेंगे। 16 है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा विश्वास का निर्माण करना जो स्लाइड नंबर 26 पर हम लोग पढ़ेंगे। 17 है टीम के कानून प्रोटोकॉल का अनुपालन करना जो स्लाइड नंबर 27 पर हम लोग पढ़ेंगे। 18 है टकराव की स्थिति को संभालना, कैसे हमें टकराव की स्थिति को संभालना चाहिए, जब हमें कोई दिक्कत होती है तो हमें कैसे संभालना चाहिए जो स्लाइड नंबर 28 पर हम लोग पढ़ेंगे। 19वां फिर हम अभ्यास प्रसंग करेंगे जो स्लाइड नंबर 10, 19 और 29 पर हम लोग पढ़ेंगे। अब है विवरण परिचय। किसी व्यक्ति की टीम के नाम, उत्पादक रूप में काम करना चाहिए जिसे हमें लाभ प्राप्त होता है। बेशक एक टीम के पास अधिक विचारों वाले, अधिक दिमागों में एक बड़ा संचय ज्ञान आधार होता है। जो हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क वर्क होता है उससे संचारी रूप में बहुत सारा ज्ञान होता है, वो ज्ञान को परिरूप करता है, प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है और उसका उपयोग करता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक संगणित उत्पादन प्रक्रिया होती है, जो कि परिणाम स्वरूप उसका संगणित उत्पादन किया जाता है। दूसरा, यदि टीम एक अच्छी तरह से संगठित हो, अगर आप एक टीम लीडर का काम कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपकी टीम का संगठित होना बहुत जरूरी होता है। तो यह बेहतर उत्पादकता, अक्सर उच्च गुणवत्ता, अधिक रचनात्मक उत्पादन, लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणा, अधिक दक्षता और तेजी से वितरण सुनिश्चित करता है। यदि आपकी टीम का अच्छा वर्क रहा तो आप बेहतर उत्पादकता बन सकते हो, अक्सर उच्च गुणवत्ता की क्वांटिटी अपना सकते हो और आप रचनात्मक सोच रख सकते हो और लंबे समय तक आप उस प्रक्रिया में या उस कंपनी में कार्य कर सकते हो। अब टीम वर्क का क्या महत्व होता है, कैसे एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क में क्या क्या महत्व होता है, टीम वर्क में काम करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टीम वर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि मजबूत नेतृत्व कौशल टीम के सदस्यों को परियोजना के हर चरण में एक साथ काम करने की अनुमति देता है। टीम वर्क वह महत्वपूर्ण है जो मजबूत बनाता है, नेतृत्व कौशल परीक्षण के साथ साथ परियोजनाओं को जानने का और उसको काम करने की अनुमति उसे प्राप्त होती है। एक सहयोगी टीम एक पारस्परिक टीम का थोड़ा अलग संस्करण होता है। ये एक सहयोगी टीम होती है जो पारस्परिक टीम के साथ सहयोग करके एक संस्करण, एक परिपूरक
बनाती है, क्योंकि इसके सदस्यों के अलग अलग कौशल सेट होते हैं, इसके अलग अलग कौशल सेट बनाए जाते हैं। यह सहयोग का महत्व रखता है, जो कि सहयोग का महत्व रखता है, और जितना महत्वपूर्ण सहयोग है, जितना आप महत्वपूर्ण सहयोग करेगा, टीम वर्क एक सहयोग के साथ काम करेगी तो वो अच्छा ही परिणाम प्राप्त करेगी। टीम वर्क वही रखता है, टीम वर्क उसी अंतिम लक्ष्य की ओर काम कर रहा है, लोगों की संयुक्त कार्रवाई है। जो टीम वर्क कार्य करती है वो टीम अच्छे काम करती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। टीम मजबूत नेतृत्व पर भरोसा करती है। यह जरूरी नहीं कि टीम के सदस्य एक दूसरे को पसंद करें, जो भी टीम मजबूत स्थिति में काम करती है वह एक दूसरे पर विश्वास करना जरूरी होता है। यदि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अनावश्यक है, क्योंकि नेता समूह में प्रत्येक व्यक्ति के काम को नियंत्रित करता है। यदि व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ पूरा कार्य करता है, क्योंकि नैतिक समूह में वह अच्छा काम नियंत्रित कर पाता है। अब कार्यस्थल में सहयोग कैसे, कार्यस्थल में हम सहयोग कर सकते हैं कैसे, हम जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं, जिस अस्पताल में हम काम कर रहे हैं, तो हमें वहां पर क्या क्या सहयोग का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है, कार्यस्थल पर टीम सहयोग का महत्व होना जरूरी है। दूसरा, एक दूसरे को सीखे, एक दूसरे से सीखना चाहिए। तीसरा है, एक दूसरे के सहयोग से काम करने वाले टीम के सदस्यों को हमेशा एक दूसरे की सफलता के सीखने का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी व्यक्ति को देख के सफलता पा रहा है, उसको देख के हम भी काम करें, तो हमारे को भी सफलता प्राप्त हो सकती है, बेहतर समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर हमें एक टीम वर्क में काम करते हैं तो उससे जो समस्या है उसका हमें समाधान प्राप्त होता है। बाधाओं को तोड़ सकते हैं, बाधाओं को हम तोड़ सकते हैं। ऑनलाइन सहयोग उपकरण, जो भी हम टीम वर्क में काम करते हैं ऑनलाइन, आजकल नेट बैंकिंग, मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से, हम इससे सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सभी के साथ शांतिपूर्ण बात करना। अब एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो अपनी शांतिपूर्ण बात करना चाहिए। अस्पताल स्वभाव से व्यस्त और शोर शराबे वाले स्थान है होते हैं। जहाँ अस्पताल होता है वहां पे शोर शराबा भी होता है, फिर भी ठीक होने के लिए आपको एक आरामदायक जगह की आवश्यकता होती है। उसे ठीक करने के लिए हमें आरामदायक बनाना पड़ता है। मौन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको चुप रहना चाहिए, जितना हो सके कम बोलना चाहिए एक फ्रंट डेस्क वर्कर को। इसलिए यह हमारे लिए प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि आप कृपया हमारे साथ एक उपचारात्मक वातावरण बनाने के लिए भागीदार बने। हम मरीज को कह सकते हैं कि आप बिल्कुल चुप रहिए, आपका जो कार्य है हम पूर्ण शांतिपूर्ण करेंगे और उसकी जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। साथ में हमें अपने सभी रोगियों के लिए एक आरामदायक शांत जगह बना सकते हैं। और साथ में हमें क्या करना है, हम रोगियों को भी हम कह सकते हैं कि आप शांति से रहिए, आराम से रहिए, ताकि हम अच्छा कार्य कर सके। अभ्यास प्रश्न, टीम वर्क का क्या महत्व है? हर चरण में एक साथ काम करने की अनुमति देता है। जी हाँ, हर चरण में एक साथ काम कर सकते हैं। एक सहयोग टीम के पारस्परिक टीम का थोड़ा अलग संस्करण होता है, ये भी सही है। टीम मजबूत नेतृत्व पर भरोसा करती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी ये भी सही है। शांतिपूर्ण वातावरण के कारक, अब क्या क्या कार्य हो सकते हैं शांतिपूर्ण के वातावरण बनाए रखने के लिए। सबसे पहले अपना दरवाजा बंद करने के लिए कहें। अगर आपके पास कोई मरीज बातचीत करने के लिए आया है, सबसे पहले आप उनके दरवाजे को बंद कीजिए। दूसरा, कृपया अपने परिवार और दोस्तों को याद दिलाए कि वह हर समय नरमी से बात करें। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो नरमपूर्ण बात करना चाहिए, बिल्कुल शांतपूर्ण बात करना चाहिए। कृपया अपने सेल फोन को वाइट पर रखें और अपने परिवार और दोस्तों से भी ऐसा करने का अनुरोध करें। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क पर कार्य कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना चाहिए, या अपने साथ वालों को भी बोलना चाहिए कि अपने मोबाइल को साइलेंट करें। कृपया टीवी की आवाज कम करें या टीवी सुनते समय ईयरबड का प्रयोग करें। अगर आप किसी पर उससे बातें कर रहे हैं तो ईयरबड का प्रयोग करना चाहिए। कृपया संगीत सुनते समय भी ईयरबड का प्रयोग करें। अस्पताल में जब आप कार्य कर रहे हो तो उसमें संगीत सुनते हो, बीच में अगर टाइम मिलता है तो उसमें आप बिल्कुल शांतिपूर्ण ईयरबड का प्रयोग करके सुनना चाहिए। दोहरी बातचीत को कम कर रखें। अगर आप बार बार में किसी मरीज को टॉर्चर कर रहे हो, बता रहे हो, तो आप उसको नहीं करना चाहिए, इस चीज को इग्नोर कर देना चाहिए। यदि आप एक अर्ध निजी कमरे में हैं तो कृपया अपने रूममेट का सम्मान करें। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे हो तो उसका आपका सीनियर बैठा हो तो उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। टीम के साथ काम करते समय शिष्टाचार लागू करें। क्या क्या शिष्टाचार होते हैं जो हमें लागू करने होते हैं? दफ्तर की मर्यादा बनाए रखें। आप दफ्तर में कार्य कर रहे हो या अस्पताल में कार्य कर रहे हो तो उसकी मर्यादा बनाए रखना चाहिए फ्रंट डेस्क वर्कर को। अफवाह न फैलाएं। किसी चीज को आपको पता नहीं है जब तक आप
कंफ्यूजन है और उसका पूरा प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, तो उसका पहले पता लगाइए, उसके बाद में उस चीज की बातचीत कीजिए। तीसरा, ड्रेस कोड का पालन करिए। अस्पताल में जो ड्रेस कोड आपको दी गई है वो कंटिन्यू पहन के आइए और उस ड्रेस का पालन करना चाहिए। समय की पाबंदी होना चाहिए, समय पर आना चाहिए, समय पर जाना चाहिए। समय है आपके पास, टाइम पे आओ, टाइम पे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो और उसके बाद में समय पे जाना चाहिए। उत्तरदायी होना चाहिए, किसी कार्य के लिए वो उत्तरदायी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आई कॉन्टेंट मेंटेन करना चाहिए, अपने आप को मेंटेन, आई क्यू क्वांटिटी को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी से कम बात करनी चाहिए, अपनी जुबान को ज्यादा नहीं खोनी चाहिए। सहकर्मी और रिश्ता को इज्जत करें और सहकर्मी और वरिष्ठ से इज्जत करना चाहिए। सुपरवाइजर की सहायता से ड्यूटी रोस्टर का कौशल विकास कैसे करना चाहिए, एक आपका सुपरवाइजर होता है इसके साथ कैसे आप ड्यूटी रोस्टर तैयार कर सकते हैं एक फ्रंट डेस्क वर्कर को। सभी लोग सही कौशल, सही जगह, सही समय पर कार्य करना चाहिए। जहां सही लगे आपको सही जगह होनी चाहिए, सही कौशल होना चाहिए और सही समय होना चाहिए उसको कार्य को करने के लिए, रोस्टर बनाने के लिए। रोस्टिंग को एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है जो उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित रोगी देखभाल प्रदान करता है और साथ ही कर्मचारी के स्वास्थ्य और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित कामकाजी घंटों की दक्षता के माध्यम से निगरानी की जाती है। जो आप कार्य कर रहे हो उसको शांतिपूर्ण करना चाहिए और गुणवत्ता और सुरक्षितता के साथ करना चाहिए और रोस्टर को अच्छी तरह से कागज कार्रवाई में के माध्यम से करनी चाहिए। आज की तारीख में रोस्टिंग जिम्मेदारियों वाले कर्मचारियों के लिए दस्तावेज रोस्टिंग दिशा निर्देशों प्रेक्षण या शिक्षा के रूप में बहुत कम कर रहा है। जो आज की रोस्टिंग प्रक्रिया है वो दस्तावेजीकरण कम किया जा रहा है और सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की गलती हो जाती तो आपको उससे सीखना चाहिए कि हमें आगे इस गलती पर ध्यान केंद्रित करना है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। आंगहीता, समय प्रबंधन, संबंधों में सुधार करना चाहिए। स्वयं की देखभाल के साथ साथ ऐसी असहायक आदतें जैसे पूर्णतावादी होना, विलंब न टालना इत्यादि से मुक्ति कुछ ऐसे जीवन कुशल जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। अगर आंगहीत समय प्रबंधन नहीं है, संबंधों में सुधार नहीं है, स्वयं की देखभाल की कोई सहायता नहीं है तो हमें उसका चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा में आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, जैसे पूर्णता देना चाहिए, पूर्ण आपका जो मरीज आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसका आंसर अच्छी तरह देना चाहिए। विलंब नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य करने से विलंब नहीं होना चाहिए, टाइम पे कार्य करना चाहिए और किसी कार्य को टालने की कोशिश ना करें और उस जीवन में उसे आगे बढ़ने के लिए उस कार्य को पूर्ण रूप से करना चाहिए। अब अस्पताल नीतियों की व्याख्या करना। एक अच्छा अस्पताल एक अच्छी तरह वाली मशीन की तरह चलता है। अस्पताल एक टीम वर्क के साथ ही चलता है, जो अच्छा कार्य करता है उससे ही अच्छा अस्पताल चलता है। रोगी के सेवन से लेकर आउटपुट बिल्डिंग और बीच में सब कुछ भी सभी टुकड़ों प्रक्रियाओं लगातार उत्कृष्ट देखभाल प्रदान करने के लिए एक साथ काम करती है। आउटपुट भी चेक करना चाहिए, बिलिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि मरीज कब आ रहा है, कब एडमिट हो रहा है, कब उसके डिस्चार्ज की जरूरी है, कब उसका बिलिंग हमें बनाना है। इन चीजों को एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को पता होना चाहिए। बेसिक यह तभी हो सकता है जब अस्पताल में सभी टुकड़े प्रक्रियाएं हों। ये बेसिक तब हो सकता है जब अस्पताल में ये हम पूर्ण रूप से तैयार कर सके। स्टाफ सदस्यों को पता होना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षित है, उनको दैनिक कार्यों में की नीति निर्देशन करने के लिए उनके पास नियम प्रक्रिया होनी चाहिए। स्टाफ को भी पता होना चाहिए, सदस्यों को भी, उनको क्या क्या कार्य करने होते हैं, क्या क्या निर्देश होते हैं।
कार्य करने के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उन नीतियों के लिए जानना जरूरी होता है। अस्पताल में नियमों और मानकों से भटकना हानिकारक हो सकता है। अगर आप नियम के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं और मानक सावधानी से नहीं जानते हैं तो आपको हानिकारक हो सकता है, इसलिए उन चीजों का ध्यान रखें। असंगत अभ्यास रोगी देखभाल की गुणवत्ता को कम कर देंगे, इससे रोगी देखभाल गुणवत्ता को कम किया जा सकता है और रोगी को नुकसान होने भी पहुंचा सकता है और अस्पताल में जोखिम डाल सकता है यह वही है जो अस्पताल की नीति और प्रक्रियाओं को इतना महत्वपूर्ण मनाता है। अब अस्पताल की नीति और प्रक्रियाओं को इतना महत्वपूर्ण बहुत जरूरी होता है। अस्पताल को प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करने और कर्मचारियों और रोगियों दोनों को सुरक्षित रखने के लिए अच्छी नीति और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। जब आप अस्पताल फ्रंट डेस्क में जब व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो उसमें कुशलता और कार्य की अच्छी गुणवत्ता और कर्मचारियों के साथ काम करना, रोगियों को कैसे बातचीत करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होना आवश्यक होता है। फीडबैक का अर्थ है फीडबैक से जानने की प्रक्रिया में सुधार करना। अब कैसे फीडबैक, हम फीडबैक एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को जैसे मरीज जाता है उस समय हमें एक फीडबैक फॉर्म भराना चाहिए जिससे पता चल सके कि अस्पताल में किस प्रकार की प्रॉब्लम है या किसी स्टाफ से या किसी प्रकार के व्यक्ति से कोई उसे प्रॉब्लम तो नहीं, इसके बारे में जानना जरूरी है। हमारे बारे में दूसरों का अवलोकन करना, हम जैसे ही किसी मरीज का अवलोकन करते हैं तो उसको अवलोकन हम कर पाते हैं। फीडबैक हमें ताकत देता है कि यदि हम सही रास्ते पर ना हो तो उसे सुधार ला सके। फीडबैक हमें रास्ता देता है कि हमें कैसे उसको सुधार लाना है। यह जानकारी अमूल्य होती है, यह जानकारी बहुत ही अमूल्य होनी चाहिए, इसका बेहतर सदुपयोग किया जा सकता है। हम इसका कैसे सदुपयोग या प्रयोग कर सकते हैं, हमें आजीवन संजय असंगतिक भाव से लोगों से अपने काम के बारे में राय लेते ही रहें। एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को अपने सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो अपने जो सुपरवाइजर हैं उससे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कि हम बीमार होते हैं उदाहरण के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं किसी रोगी का कारण क्या कारण हो सकता है, इसका सुधार के लिए हमें क्या कर सकते हैं, ये हम जानकारी उसे प्राप्त करते हैं एक डॉक्टर से। उसके द्वारा बताई गई दवाओं को रोगी चिकित्सा करते हैं और उसके मरीज जो डॉक्टर ने हमें दवाई लिखी है मरीज के बारे में उसके हमें बताना चाहिए। ठीक उसी तरह जब हम कोई स्टाफ जैसे ड्राइवर या स्टेनोग्राफर रखा होता है तो हम इसका टेस्ट लेते हैं ताकि उसे क्षमता और योग्यता का पता लगाया जा सके। कार्य स्थल में सहयोगी क्या महत्वपूर्ण है, टीम मजबूत नेतृत्व का भरोसा करती है। यह जरूरी नहीं है कि टीम के सदस्य दूसरे को पसंद करें, समूह में प्रत्येक व्यक्ति के काम को नियंत्रित करना चाहिए और बेहतर समस्या का समाधान करना चाहिए। कार्यस्थल में सहयोग के लिए क्या महत्व है, बेहतर समस्या का समाधान करना चाहिए। सर्विस रिकवरी ओवरे, अब सर्विस रिकवरी कैसे की जाती है एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क में, इसके बारे में हमें आपको बताते हैं। अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल का महत्वपूर्ण पहलू है और इस टीम के व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। इस टीम को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। एक अस्पताल के कर्मचारी रोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहता है और इसलिए रोगियों को स्वास्थ्य और सुविश्वास का बहाल करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखभाल की गुणवत्ता और अस्पताल का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक अस्पताल का कर्मचारी होता है वो रोगियों को लगातार देखभाल करता है, संपर्क में रहता है, इसलिए उसकी स्वास्थ्य के बारे में जानना, उस पर विश्वास करना, उसकी भूमिका क्या महत्व होता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अस्पताल सेवा प्रशासन बातचीत में तत्वों का एक जटिल है। इसका परिणाम अस्पताल सेवाओं की व्यवस्थित प्रक्रियाओं का उपयोग किए जाने वाले कर्मियों और भौतिक संसाधनों के उत्पादन में होता है। अस्पताल सेवा प्रशासन बातचीत तत्व का जटिल, बहुत जटिल महत्वपूर्ण होता है। इसका परिणाम अस्पताल में जो सेवाएं हम दे रहे हैं उसके बारे में और कर्मियों को बारे में बताना चाहिए या अस्पताल के रोगियों को बताना चाहिए उसके क्या अधिकार है, कैसे उसको कार्य करना है, कैसे यहाँ पे रहना है, इसके बारे में जानना चाहिए। कानूनी नैतिक मुद्दे, अब जो कानूनी और नैतिक मुद्दे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आमतौर पर इन मामलों में मेडिकल लीगल मामले कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मेडिकल लीगल मामले, MRD मेडिकल लीगल मामले होते हैं। साथ ही किसी चिकित्सा उपचार, आत्महत्या, दुर्व्यवहार, जहर पीने या गिरने जाने के लिए जिसके लिए पुलिस को सूचित करने की जरूरत होती है। हाँ, अगर अस्पताल में किसी प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो आत्महत्या कर सुसाइड करने कर रहा हो या दुर्व्यवहार वाला मरीज हो या जहर पीने या गिर जाने वाले है, ऐसे मरीजों को हमें
पुलिस की सहायता से उसका काम करना चाहिए या उसका उपचार करना चाहिए। इसे मेडिकल लीगल मामला कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मेडिकल लीगल मामला कहा जाता है। पुलिस द्वारा घटना की जानकारी प्राप्त की जाती है और मामले की देखरेख की जाती है। इससे पुलिस आएगी, उसके मामले को देखेगी और इसकी जांच करेगी। अनुसंधान आधारित प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं? अस्पताल बीमार और जरूरतमंदों की चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। अब अस्पताल क्या करता है? बीमार व्यक्तियों की और जरूरतमंदों की चिकित्सा देखभाल करने में प्रदान होता है। वह माल बनाने के व्यवसाय में नहीं है बल्कि सेवा प्रदान करने के लिए होता है। अस्पताल क्या होता है? सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है और अपने कर्मचारियों मनोबल और प्रतिबद्धता पर अत्यंत संगठनों की तुलना में कहीं अधिक निर्भर करता है। ये कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता पर अत्यंत संगठनों की तुलना में कहीं अधिक निर्भर करता है। ऐसे स्थानों में कर्मचारियों को लगातार जनता का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे संस्थानों में कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें कम पैसा कम वेतन मिलता है या कई व्यक्तियों को वेतन नहीं मिलता है, तो ऐसे कई व्यक्तियों को समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाले संस्थाओं की आमतौर पर देखभाल गुणवत्ता की तुलना में अपनी कर्मियों के व्यवहार के लिए अधिक आलोचना की जाती है। ऐसे में आजकल हॉस्पिटल इंडेक्स में बहुत कम व्यक्ति हैं जो इस कार्य को करने की क्षमता कम रखते हैं। अनुसंधान आधारित प्रोटोकॉल रोगी और आगंतुक के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की चौकसी सहानुभूति जवाबदेही से अधिक प्रभावित और चिंतित होती है। जो मरीज जो आगंतुक है उसकी देखभाल जो हम कर रहे हैं कर्मियों की, उसकी चौकसी, उसका ध्यान रखना, उसकी सहानुभूति रहना और जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है उसकी जवाब के बारे में देना बहुत जरूरी होता है। घर जैसा वातावरण देना ताकि मरीज की चिंता कम की जा सके। अब जो हम वातावरण में कार्य कर रहे हैं उसकी चिंता को कम किया जा सकता है। अस्पताल की इमारत की वास्तुकला, प्रतिकृष्ट मशीनों या वार्ड सुविधाओं, अस्पताल में जो वास्तुकला है उसके जानना, उसकी प्रति मशीनों के बारे में जानना कि कौन सी मशीन कितने उपकरण का काम करनी है, वार्ड सुविधाओं के बारे में जानना, हम इसके बारे में जानते हैं। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन, समाचार पत्र, बाबर संगीत आदि की तुलना में हम इसके बारे में जानेंगे। टीम वर्क के समय वैसे सुविधाजनक बनाए। अस्पताल जैसे संस्थाओं में नौकरी करते समय हमें एक टीम के रूप में काम करने की आवश्यकता होती है। ये स्वास्थ्य टीम पर मेडिकल टीम, नर्सिंग टीम, रिसेप्शन टीम हो सकती है। अस्पताल जैसे नौकरी करते समय हमें बहुत सी टीम की जरूरत होती है। एक टीम वर्क होता है, जो टीम वर्क होता है उसमें कौन कौन होता है? एक स्वास्थ्य टीम होती है, एक मेडिकल टीम होती है, एक नर्सिंग टीम होती है, एक रिसेप्शन टीम होती है जो हॉस्पिटल का निर्माण करती है। टीम वर्क एक सहकारी समूह द्वारा कार्रवाई का समन्वय होता है। टीम वर्क कहाँ से बनती है? एक सहकारी समिति की तरह एक समिति बनाई जाती है, एक समूह बनाया जाता है, उसे ही समन्वय किया जाता है, जिसके सदस्य कार्य उपलब्धि के लिए जिम्मेदार उत्साह से योगदान करता है। ये कार्य उपलब्धि और जिम्मेदारी उत्साह के साथ कार्य करती है। टीम वर्क एक सहकारी समूह द्वारा कार्रवाई का समन्वय है, जिसका सदस्य कार्य उपलब्धि के लिए जिम्मेदार उत्साह की से योगदान होता है। टीम वर्क सहकारी समूह द्वारा कार्रवाई की समन्वय होता है, जिसका सदस्य कार्य उपलब्धि की जिम्मेदारी उत्साह से योगदान करता है। टीम वर्क के अनिवार्य हैं। अब टीम वर्क होता है उसमें क्या क्या अनिवार्य होता है? एक छोटा समूह, एक नेता, एक सामान्य लक्ष्य, एक नियमित बातचीत, प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी से योगदान, समन्वय और टीम भावना होनी चाहिए। एक समूह छोटा समूह होता है, नेता होता है, एक लीडर होता है, एक सामान्य लक्ष्य लेने वाला होता है, नियमित बातचीत करने वाला व्यक्ति होता है, उसे जिम्मेदारी बनाने वाला व्यक्ति होता है ताकि जिससे टीम तैयार हो सके। टीम का काम करने का माहौल अनौपचारिक, आरामदायक और आराम से होना है। टीम का जो कार्य होता है वो माहौल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अनौपचारिक होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, जिससे टीम तैयार हो सके। कोई अपशिष्ट तनाव नहीं, कोई तनाव स्टैंड में काम नहीं करना चाहिए। लोग शामिल है रुचि रखते हैं, जिससे ताकि वह उस कार्य में रुचि रख सके। टीम में बहुत सारी चर्चाएं होती है जिनमें लगभग सभी ने भाग लिया है, लेकिन यह समूह के कार्य के लिए प्रशासनिक यह है। यदि चर्चा विषय से हटा दी जाती है तो कोई इसे शीघ्र या ट्रैक का वापस लगाया जाए। यदि किसी प्रकार की मीटिंग की जाती है, टीम वर्क का मीटिंग की जाती है, तो उसमें हमें भागीदारी निभानी है, उसमें प्रशासनिक अपनी वार्ता को रखनी चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि क्या हमें कैसे काम कर सकते हैं। टीम में सदस्य की प्रतिबद्धता के बाद, उद्देश्य की मुक्ता चर्चा के बाद, समूह के उद्देश्य का कार्य सदस्य द्वारा अच्छी तरह से समझे और स्वीकार किया जाता है। टीम में सदस्य की प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए और जो हमने उद्देश्य बनाया है
उस उद्देश्य पर चर्चा करनी चाहिए और समूह में उसको वितरण करना चाहिए, बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके। टीम के सदस्य एक दूसरे के धोखा देता है, हर विचार को सुनवाई दी जाती है, सदस्य अतिवादी विचार प्रस्तुत करने में से नहीं डरता है। टीम में कई व्यक्ति होते हैं जो आपको इंक्रीज होने से बचा कम रखना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा विश्वास का निर्माण करना। अब कैसे, कौन कौन से बिंदु होते हैं जिसे हम विश्वास के निर्माण कर सकते हैं? पहला है, वही कहो जो आप करने जा रहे हो। व्यक्ति एक रोगी को वही बताना चाहिए जो आपके अस्पताल में कहा गया है। जब आप पूर्णता पैदा करते हैं तो आपकी भरोसेमंद के रूप में देखा जा सकता है। अगर आपने अच्छा बताया है, सही अच्छा तरीका बताया है, तो आपको लोग विश्वास करेंगे। जो दूसरों से भरोसा व्यवहार में बढ़ावा देता है, जो दूसरों के व्यवहार में व्यवस्था बढ़ावा देता है। विश्वास तब विकसित होता है जब लोग सुरक्षित और सुरक्षित होते हैं ताकि वह असुरक्षित होने का जोखिम उठा सके। विश्वास तब विकसित होता है जब लोग सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण से असुरक्षित वातावरण को जोखिमों को कम करते हैं। वर्णात्मक बल्कि मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, यानी जो वर्ण के माध्यम से नहीं मूल्यांकन के माध्यम से हम समझाता है, जो उदाहरण के माध्यम से हम समझाता है, वो अच्छा कौशल विकास कार्य कहलाता है। खेल के लिए गोपनीयता बचाना। अब मरीज की गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। दूसरों की जरूरतों हितों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरों के प्रति जो हम संवेदनशील होना चाहिए, दूसरे दृष्टिकोण की तलाश करना चाहिए, सुनना और समझना चाहिए और दूसरे योगदान का उपयोग करना और पहचानना चाहिए। जैसे एक मरीज ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको शांतिपूर्ण सुनना चाहिए और सुन के उसके उत्तर को सही रूप में समझाना चाहिए। टीम के कानून प्रोटोकॉल का अनुपालन। अब जो टीम है, कानूनी प्रोटोकॉल होता है, उसे कैसे बनाना है और कैसे उसका पालन करना चाहिए। अपने कर्मचारियों के गौरव और गरिमा की भावनाओं को किसी भी तरह से ठेस न पहुंचाएं। अगर आप कर्मचारी हैं तो गौरव बनाए रखें और किसी भी गरिमा की भावनाओं को किसी मरीज के गरिमा तक हद तक नहीं जाना चाहिए। उनके परामर्श से उनके काम का लक्ष्य निर्धारित करें और जो आप परामर्श दे रहे हो उसका काम का निर्धारित करना चाहिए। और अपने विश्वास रखें और कर्मचारियों को किसी भी मौजूद शिकायत का प्रतिनिधित्व करने उचित आवश्यकता का भुगतान करने और प्राथमिकता देने। अगर कर्मचारियों को किसी मौजूद शिकायत का प्रतिनिधित्व करना है या आवश्यकता का भुगतान करना है तो प्राथमिकता उसी को देनी चाहिए। कर्मचारियों के साथ सीधे या पर्यवेक्षक के माध्यम से संपर्क बनाए रखें। जब मरीज आपके घर चला जाता है उसके बाद में उसका फीडबैक लेना चाहिए ताकि मरीज आपसे संपर्क में बना रहे, वो शांति सहानुभूति और अच्छे मानवीय संबंधों के वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर मरीज की किसी बार की समस्या है या एक टीम वर्क में किसी पर व्यक्ति की समस्या है तो हमें समस्या को हल करने की कोशिश करना चाहिए। अपने कर्मचारियों को आधारित और व्यक्तिगत दोनों उनकी संतुष्टि के लिए हम कर्मचारियों और अधिकारियों को व्यक्तियों को उसके बारे में संतुष्ट करना चाहिए। टकराव की स्थिति को संभालना। अब कोई व्यक्ति आपसे टकरा जाता है या किसी मतभेद पे बातचीत हो जाती है तो हमें कैसे इसको संभालना चाहिए। यह गलतफहमी से शुरू होने वाली सृजन है, जलन है। समूह को तोड़ना असहयोग से शुरू होने वाला एक सामान्य शब्द है। गलतफहमी हो जाती है कई मरीज को तो हमें उसको जलन हो जाती है तो हमें उस मरीज को समझाना चाहिए कि हमारे अस्पताल में जो बताया गया वो सही बताया गया, किस प्रकार की त्रुटि है तो उसको समाधान करना चाहिए। निर्णय लेने में के मानव तंत्र को में टूटने के भीतर संघर्ष और यह तब होता है जब कोई व्यक्ति या समूह चयन विकल्प में कठिनाइयों का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में हमें टकराव से बचाना चाहिए। सहयोगात्मक रचनात्मक परियोजना क्या लाभ है? किसी व्यक्ति टीम बनाना उत्पादक में रचनात्मक परियोजना का स्पष्ट लाभ देना। एक टीम के पास अधिक विचारों वाले अधिक दिमाग में एक बड़ा सच्चे ज्ञान आधार होता है। इसका परिणाम स्वरूप अधिक गणित उत्पादन प्रक्रिया होती है। उपरोक्त सभी। जी हाँ, हमारा आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।